एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एक सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल से मतलब क्या है। मान लीजिए कोई सर्कल है, वो किसी ट्रायंगल की एक साइड को टच कर रहा है, और अदर टू साइड्स को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो अदर टू साइड्स को भी अगर ए बी को बढ़ा दिया और ए सी को बढ़ा दिया तो अदर टू साइड्स को भी टच करने लगेगा। तो इस टाइप के सर्कल को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल, एंड इस केस में बोलेंगे अपोजिट टू द एंगल ए। ओके, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बी एंड सी जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक्स सेंटर ऑफ अ सर्कल मीन्स दिस इज कॉल्ड आई वन एंड अपोजिट टू द एंगल ए। ओके, सिमिलरली वी कैन डिफाइन द एक्स सेंटर ऑफ अ सर्कल आई टू अपोजिट टू द एंगल बी एंड फॉर सी ऑल्सो। ओके, सो हमें क्या करना है, आई वन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, आई वन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बी एल और बी सी का रेशियो है वो सी बाई बी हो जाएगा। वो हमने ये कैलकुलेशन कहाँ पे की थी, ये कैलकुलेशन हमने पिछले जब इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने वहाँ पे की थी। अच्छा चलो मैं फिर से कर लेता हूँ। सो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो बी एल बाई बी सी का जो रेशियो है, बी एल बाई बी सी, बी एल बाई एल सी का जो रेशियो है वो ए बी बाई ए सी ओ ए सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और हम जो ए बी क्या है हमारी सी है, और ए सी क्या है हमारी बी है, और बी सी क्या है हमारी ए साइड्स है। ओके, सो ये हो जाएगा सी बाई बी, ये रेशियो हमारा सी बाई बी हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा रेशियो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आई ले लें तो ए आई बाई ए आई बाई आई वन एल का जो रेशियो हो जाएगा, ए आई बाई आई वन एल का जो रेशियो हो जाएगा, ए आई और आई वन एल का जो रेशियो हो जाएगा माइनस बी प्लस सी बाई ए हो जाएगा। अब इन दोनों को यूज़ करके और हम इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला एम्प्लाई लगा के हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आई वन फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएंगे, आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ I1 will be given by coordinates of I1 will be given by minus AX1 plus BX2 plus CX3 divided by minus A plus B plus C and minus AY1 plus BY2 plus CY3 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो दिस इज द एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल अपोजिट टू द एंगल ए। सो सिमिलरली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं आई टू और आई थ्री के लिए। सो आई टू और आई थ्री के सिमेट्री से बाई सिमेट्री हम क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे उसके, आई थ्री के आई टू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, आई टू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी मीन्स अपोजिट टू द एंगल बी। एंड सिमिलरली अपोजिट टू द एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल्स रिस्पेक्टिवली अपोजिट टू द एंगल ए बी एंड सी। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल।